एंड वेलकम टू सोनीस वर्ल्ड। दोस्तों आज हम करेंगे कि हम घर पे कैसे पेडीक्योर कर सकते हैं। आप मार्केट में जो पार्लर जाते हैं तो आपको कम से कम 1000 रुपये का तो एक पेडीक्योर पड़ता ही है, क्योंकि मैंने खुद करवाया हुआ है। तो आप घर पे कैसे नेचुरली तरीके से आप अपने घर पे कर सकते हैं पेडीक्योर, और सारे जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा, और उसका रिजल्ट आप खुद ही देख लेंगे। मैं आपको बाद में रिजल्ट पे दिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स सबसे पहले आपने अगर जो भी नेल पेंट लगाई है उसको अच्छे से छुड़ा लें पेडीक्योर से पहले। तो आप नेल पेंट रिमूवर से अच्छे से छुड़वा सकते हैं। मैं इसे छुड़ा रही हूँ। फ्रेंड ये मैंने गर्म पानी लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं इसमें डालूंगी 1/2 लेमन। इसमें फ्रेंड्स डालेंगे हम 2 टेबलस्पून कोई सा भी शैम्पू डाल दें। मैं इसमें डव का डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून हमें इसमें डालना है शैम्पू। फ्रेंड मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाला था शैम्पू। अब मेरे को डालना है इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें सॉल्ट। 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। अब इसको क्या करना है, हमको इसमें पैर अपने डिप करके रखने हैं। 5 मिनट तक इसमें अपने पैर डिप करके रखने हैं हमने। फ्रेंड देखिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाला था, 2 टेबलस्पून मैंने शैम्पू डाला था, और मैंने इसमें डाला था 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। और दोस्तों हम इसको अच्छे से डिप करके रखेंगे 15 से 20 मिनट तक। ये देखिए फ्रेंड मैंने इसको 20-15 मिनट तक मैंने ऐसे रखा था, मैंने डिप करके रखे थे अपने पैर को। अब मैं क्या करूँगी, ये लूफा लूँगी और इसे अच्छे अपने पैरों को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। ये पहला स्टेप है हमारा क्लिनजिंग का, तो मैं इसको अच्छे से साफ कर लूँगी। फ्रेंड मैं इसको अच्छे से मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक पानी में सोख करके रखा था। मैं इसे अच्छे से पोंछ दूंगी मैं टावल से। आप देख सकते हैं फ्रेंड मेरे पैर काफ़ी साफ हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है स्क्रबिंग का। तो उसके लिए मैंने क्या लिया है, मैंने 1/2 जो है मैंने लेमन लिया है, और ये मैंने लिया है शुगर। ये थोड़ी सी मैंने दरदरी पीस ली है, तो इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है। अगर आपकी मोटी शुगर है तो इसको हल्का सा दरदरा पीसे ताकि ये थोड़ी सी कोर्स हो जाए ऐसे। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं लेमन को इसमें डिप करूँगी और इसको अच्छे से अपने पैरों को स्क्रब करना है। अच्छे से स्क्रब करूँगी, जैसे कि ये समझो कि ये आपके हाथ में कोई वो है, वो ब्रश है, और ये आपका आपको अच्छे से वो करना है, इसको अच्छे से स्क्रब करना है ताकि जितनी भी आपकी डेड स्किन है वो निकल जाए। अच्छे से करेंगे हम, बिल्कुल रगड़ रगड़ के बीच बीच में हमें ये शुगर भी लेते जाना है और अच्छे से हमें स्क्रब करना है। जो भी आपकी डेड स्किन है जहाँ पे भी है आप वहाँ पे अच्छे से स्क्रब करें। ये फ्रेंड मैंने इसे अच्छे से मैंने नींबू से स्क्रब कर लिया है। मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी। फ्रेंड मैंने इसे अच्छे से पानी से धो लिया है, ठंडे पानी से। अब हमें क्या करना है, हमें जो अपने नेल्स है जो हमारे पीले हो जाते हैं, इसमें डर्ट घुस जाता है, तो उसको हमें साफ़ करना है। उसके लिए क्या करना है, हमें मैंने 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लिया है और मैंने लिया है 1/2 लेमन। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें लेमन का जूस डाल दूँगी। फ्रेंड देखिए हमारा ये रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी आपके पास स्प्रेयर ब्रश हो उससे आपको अपने नेल्स पे लगाना है। हम इसको नेल्स पे लगाएंगे अपने, और नेल्स पे हमें अच्छे से ब्रश करना है हमें, ताकि जो जितने भी हमारे डर्ट घुस जाती है या कोई हमारे नेल्स जो है पीले पड़ जाते हैं, तो वो इससे हमारे जो है नेल्स वाइट हो जाएंगे। तो इसे इसको अच्छे से हमें वो करना है, स्क्रब करना है ब्रश से। फ्रेंड देखिए मैंने अच्छे से अपने पैर वॉश कर लिए हैं उसको बेकिंग सोडा नींबू के बाद। आप देख सकते हैं मेरे जो नेल्स हैं काफ़ी वाइट हो चुके हैं, जितना डर था सब निकल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, मैंने आप कोई सा भी आपके पास मॉइस्चराइज़र हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मैं बॉडी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने कोकोनट बॉडी क्रीम बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड इसको हमें अपने नेल्स पर लगाना है, जो भी आपकी डेड स्किन है तो हम इसको नेल्स पर लगाएंगे। ऐसे करके हमें नेल्स पर अच्छे से लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स को मैंने नेल्स पे लगा लिया। अब हमें क्या करना है, हमें अच्छे से मसाज करनी है अपने नेल्स पे। इससे क्या होगा, जो हमारे नेल क्यूटिकल्स होते हैं जो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम उसे निकालेंगे, क्यूटिकल रिमूवर आता है उसे निकालेंगे। इसे हमें अच्छे से मसाज करेंगे ऐसे जेंटली अपने पैरों पर। इससे हमारे जो क्यूटिकल है वो बहुत ईजिली निकल जाते हैं, जो साइड में जो डेड स्किन होती है क्यूटिकल्स होते हैं
वो इजली निकल जाती है। तो इसे हम पहले अच्छे से हम ऐसे थंब से मसाज करेंगे अपने, ऐसे आपको लाइटली मसाज करना है। ये फ्रेंड देखिए मैंने अच्छे से इसको मैंने मसाज की में मसाज की थी। तो अब हम कोई भी क्यूटिकल रिमूवर से हम क्या करेंगे, जो ये अपने हमारी डेड स्किन है इसको ऐसे इससे इसे पीछे करेंगे, हम इसे पीछे करेंगे ऐसे करके, ऐसे अपने साइड्स पे ऐसे ऐसे इसको स्क्रैच करेंगे, ताकि हमारी हमें अपनी स्किन को ऐसे पीछे करना है डेड स्किन को, उससे क्या होगा हमारी डेड स्किन निकलने में बहुत ईजी होती है। तो हम इसको ऐसे करेंगे और हम इसको ऐसे साइड से हमारी जितनी भी डेड स्किन है इसको हम निकालेंगे। अब देख रहे हैं डेड स्किन निकल रही है, तो हम इसको डेड स्किन को हम अच्छे से निकालेंगे क्यूटिकल रिमूवर से। ये देखिए फ्रेंड मेरी डेड स्किन निकल रही है, आप देख सकते हैं। तो अच्छे से डेड स्किन आपको ऐसे ही निकालनी है अपनी, हमें ऐसे करके ऐसे पीछे करना है पहले और फिर ऐसे डेड स्किन निकालनी है हमको। जितनी हमारी डेड स्किन है वो इसमें क्यूटिकल रिमूवर से निकल जाएगी। ऐसे ही सेम करना है प्रोसीजर, पहले हमें पीछे करना है ऐसे इससे, फिर हमें साइड से ऐसे करके जितने भी हमारी डेड स्किन है वो निकल जाएगी हमारी। ये देखिए फ्रेंड मैंने अच्छे से इसकी डेड स्किन निकाल ली है किनारे से। अब हमको क्या करना है, हमें मास्क बनाना है, इसका मसाज क्रीम बनानी है। तो ये मैंने लिया है बनाना, हमने लेना है हाफ टेबल स्पून हनी, मैं हनी डाल रही हूँ उसमें हाफ टेबल स्पून, अंदाजे से डाल रही हूँ। ये क्या करेगा, हमारे पैरों को मॉइस्चराइज करेगा। और हमें लेना है वन टी स्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या विटामिन ई की कैप्सूल ले सकते हैं। मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल टी स्पून डाल रही हूँ। हम इसको अच्छे से मैश करेंगे, अच्छे से मैश करके हमें क्रीमी कंसिस्टेंसी में से बनाना है। फ्रेंड देखिए हमारी मसाज क्रीम तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने पैरों पे लगाएंगे अच्छे से और हमें करनी है मसाज। मैं आपको एक पैर पे करके दिखा रही हूँ, ऐसे आपको मसाज करनी है। दोस्तों अगर आपके ऑलिव ऑयल कम लग रहा है या आपके पैर ज़्यादा ड्राई हैं तो आप इसमें ऑलिव ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें वन टी स्पून डाला है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये इसकी ऐसा कोई इसमें मेजरमेंट नहीं है। आपको अच्छे से अपने पैरों को मसाज करनी है जहाँ जहाँ आपकी डेड स्किन है वहाँ पे भी। और दोस्तों ये मैंने लिया है एलोवेरा, तो एलोवेरा को भी क्या करेंगे, बीच में से हम इसको काट लेंगे और हम अच्छे से मसाज करेंगे एलोवेरा की। एलोवेरा आपको फ्रेश चाहिए आपको एलोवेरा, जैसे हम नॉर्मली हम अपने फेस का हम क्लीनिंग करते हैं सेम प्रोसीजर होता है अपने पैरों का अपनी बॉडी का। तो थोड़ा सा और क्रीम लेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से मसाज करनी है, आज से आपके पैर बहुत सॉफ्ट और बहुत वाइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं आपको अभी भी मेरे पैरों में रिजल्ट नज़र आ गया होगा, मेरे पैर काफ़ी साफ हो गए हैं, काफ़ी जितनी भी मेरे पैरों में डेड स्किन थी वो निकल चुकी है। और दोस्तों बीच बीच में हम ऐसे एलोवेरा का जेल लेते रहेंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा स्टेप्स बहुत स्मूथ चलेंगे बहुत, क्योंकि ये बहुत वो होता है ग्रीसी होता है जेल लुक होता है इसका, तो बहुत हमारा जो वो है स्टेप बहुत स्मूथ चलेंगे। तो कम से कम आपको 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है आपकी। दोस्तों आप पार्लर में जाते हैं इतने महंगे महंगे पेडिक्योर करवाते हैं, उससे ये मच बेटर है। कम से कम आपको 1000 रुपये का पेडिक्योर कम से कम आप पार्लर में जाएंगे तो इतने का पड़ेगा। तो अच्छे से मसाज करना है और जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो होगा इस पैक, तो हम पैक भी बनाएंगे अभी, पहले हम इसको अच्छे से मसाज करेंगे। फ्रेंड मैंने अच्छे से पैर मसाज कर लिए थे मैंने, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पानी था जो हमने वार्म था हम फिर से इसमें डिप करेंगे और अच्छे से ये जो स्क्रबर है आपके पास कोई सा भी ब्रश हो या झूना हो स्क्रबर हो उसे अच्छे से फिर से पैरों को आप डिप कर दें, अच्छे से मसाज अपने फिर से स्क्रब करें। अब हम क्या करेंगे, हम पैक बनाएंगे इसका अपने पैरों का, जो लास्ट स्टेप है वो है पैक बनाएंगे। फ्रेंड देखिए मैंने अपने पैर अच्छे से साफ कर लिए हैं, वॉश कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये मैश जो हमारा वो था मसाज क्रीम थी, इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम डालेंगे मुलाठी पाउडर। मैं इसमें लगभग 1/2 टेबल स्पून मुलाठी पाउडर डाल रही हूँ अंदाज से, और हम डालेंगे लगभग मुल्तानी मिट्टी 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी डाल रही हूँ। दोस्तों अगर आपके पास पपाया है तो आप पपाया भी डाल सकते हैं मसाज क्रीम में, क्योंकि
पपाया से क्या होता है, हमारी टैन जो है रिमूव होती है। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ये मैं रोज़ वाटर डाल रही हूँ, मैंने घर पे बनाया है ताकि हमें एक मोटा पैच मिल जाए। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से, और हमें दोस्तों मोटा मोटा पैक अपने पैरों पे लगाना है, थिक पैक लगाना है हमको। इसमें मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है मुल्तानी मिट्टी। हमें मोटा कंसिस्टेंसी, हमें इसको हमें थिक रखनी है, हमें इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं रखनी। हम इसे फिर से मैं इसे अच्छे अच्छे से वो करूँगी, मिलाऊँगी। देखिए फ्रेंड, हमारा ये जो मसो है पैक है तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है। तो मैं ऐसी मोटी मोटी कंसिस्टेंसी चाहिए, थिक कंसिस्टेंसी। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने पैरों पर लगाएंगे, हमें थिक पैक लगाना है। अच्छे से लगाएंगे, दोनों पैरों पर लगाना है। आप अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप बेसन यूज़ कर सकते हैं, पर मुल्तानी मिट्टी हर घर में इजीली और हर शॉप पे इजीली अवेलेबल होती है। आप इसमें अगर आपके पैर ज़्यादा डेड स्किन है तो इसमें आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, क्योंकि चावल के आटे में भी जो है हमारी जो है उसको रिमूव करता है। तो दोस्तों मैंने ये थिक पैक लगा लिया है, ये देखिए फ्रेंड हमारा जो ये था पैक वो ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से मसाज करेंगे। हमें एकदम से कभी ऐसे जो भी हम फेस पे लगाएं, चाहे हम कहीं भी लगाएं, तो हम पहले अच्छे से मसाज करेंगे इसको जेंटली, फिर हम इसको अच्छे से छुड़ाएंगे, अच्छे से मसाज करेंगे। जब ये 60-70% आपका ड्राई हो जाए तभी आप ये प्रोसीजर करें। तो ये मेरा 60% मैंने इसे 10-15 मिनट तक रखा था, तो ये अब वो हो चुका है, सूख चुका है। अब हम इसको अच्छे से बिल्कुल जैसे आप सोचें कि ये कोई गंदा कपड़ा है और आपका ये हाथ ब्रश है, आपको ऐसे इसको अच्छे से पाम का भी यूज़ करना है। आपको अच्छे से बिल्कुल अच्छे प्रेशर देते हुए आपको ये जो है आपको पैरों की मसाज करनी है, और आपको ये अपनी हथेली से भी अच्छे से रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ करना है आपको। जैसे हम कोई कपड़े धोते हैं तो उस टाइम ब्रश से हम अच्छे से रगड़ते हैं, उसी टाइम ऐसे ही हमको अपने पैरों को रगड़ना है। सेम अब दूसरे पैर में करेंगे प्रोसीजर, तो आपके स्टेप थोड़े फास्ट चलेंगे अब, और आपको पाम भी और फिंगर्स का भी यूज़ करेंगे, और अपने पाम का भी आप हथेली का भी यूज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने जो पैक था वो हमारा अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम फिर से जो बाल्टी है उसमें अपने पैक अच्छे से हम वॉश कर लेंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप है। अच्छे से हम उसको अपना पैक जो हमारा बच गया है उसको निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपने पैर को अच्छे से वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं मेरे पैर काफ़ी सॉफ्ट और बहुत मेरे जितनी भी टैन थी या डेड स्किन थी वो निकल चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पैर को। तो दोस्तों आज ही आप घर पे करेंगे पेडीक्योर, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पार्लर में जाने की। और आप दोस्तों आपके नेल्स को आप जैसा शेप देना चाहें आप दे सकते हैं, तो मैं इसके शेपर के थ्रू दे रही हूँ। तो आप हमेशा जब भी आप कुछ भी वो करते हैं अपने नेल्स को, हमेशा ऐसे ऐसे ना करें, ऐसे ऐसे ना करें, जब भी करें तो ऐसे ऐसे करें, एक ही डायरेक्शन में यूं यूं ऐसे करें। इससे क्या होगा, ऐसे ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे 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 कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा एक ही डायरेक्शन में करें, यूं करें। इससे क्या होगा, हमारी शेप बहुत अच्छी आती है। आप देख सकते हैं ऐसे करें, आप देख सकते हैं ये मेरा नेल्स जो थोड़ा सा वैसा था, गोल करना है या आगे से शार्प करना है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ऐसे करना है, ऐसे आपको ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस पर नेल पेंट लगा लिया है। तो आप भी पेडीक्योर के बाद आपके कोई फेवरेट नेल पेंट है वो लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है, मेरे पैर कितने साफ और कितने वाइट लग रहे हैं, अब जितनी भी डेड स्किन है वो निकल चुकी है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने आप कितनी ईजिली तरीके से घर पे आप पेडीक्योर कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार अपने पैर दिखाती हूँ, आपको यह ना लगे कि मैंने किसी और के पैर जो है वो कर दिए, क्योंकि मैं और उसकी तरह नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं नेचुरल, मैं आपको एक बार कैमरा नीचे करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है, ये मेरा पैर है, आप देख सकते हैं कोई इसमें वो नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पैर कितने साफ लग रहे हैं, आप पास से देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कैमरा ट्रिक नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पैर काफ़ी स्मूथ, बहुत वाइट और बहुत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो
देखिए फ्रेंड, आपने देखा कि आप कितनी इजीली तरीके से घर पे पेडीक्योर कर सकते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। इसमें कोई ऐसा कैमरा ट्रिक नहीं है, मैंने आपको पैर वैसे भी दिखाया, वैसे भी दिखाया हर तरीके से। तो आप खुद घर पे करें और दू अपने जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर करें, फिर आपको खुद यकीन हो जाएगा। सो अगर आपको मेरा ये DIY पेडीक्योर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और घर पे ही करें। देयर इज नो नीड टू गो टू पार्लर एंड ऑल दैट एंड अपने पैसे वेस्ट करने की, क्योंकि मुझे पता है पार्लर से भी इतना इफेक्ट नहीं आता है और आप अपॉइंटमेंट लें। सो दैट अगर आपको मेरा ये DIY पेडीक्योर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और आज ही ट्राई करें एंड गेट द रिजल्ट। So till then, bye-bye and stay healthy, stay beautiful. Bye-bye.